हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल एडेप्टेशन इन स्टेम ऑफ हाइड्रोफाइट्स। जलोद्भिद पौधों में तने में पाए जाने वाले आंतरिक अनुकूलन किस प्रकार के होंगे। ये यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये हाइड्रिलिया की स्टेम का अनुप्रस्थ सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। हाइड्रिला जो है वो एक सबमर्स्ड हाइड्रोफाइट है जो कि पूरी तरीके से पानी के अंदर पाया जाता है। अलग अलग हाइड्रोफाइट्स में स्टेम में थोड़ा सा वेरिएशन होता है उनके एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन में, मगर यहाँ पे हम जनरलाइज्ड पढ़ेंगे और ये जो डायग्राम है उसके ट्रांसफर सेक्शन को हम डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो स्टेम होता है, जो तना होता है हाइड्रोफाइट्स का, हम जानते हैं कितने तरह के हाइड्रोफाइट्स होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से होते हैं वो? पहला सबमर्स्ड हाइड्रोफाइट जो पानी की सतह के नीचे पाए जाते हैं, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, और थर्ड वन था एम्फीबियस हाइड्रोफाइट। तो इनके जो एनवायरनमेंट्स होता है तीनों का वो अलग अलग होता है, इसलिए इनके तने के अंदर आंतरिक अनुकूलन में कुछ अंतर पाया जाएगा। यहाँ पे हम तीनों का अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे जनरलाइज हम पढ़ेंगे और पर्टिकुलर हम हाइड्रिला के ट्रांसफर सेक्शन जो है उसके स्टेम का उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, जनरली क्या होता है, जो क्यूटिकल होती है, एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होती है क्यूटिकल लेयर, जो कि ज़ीरोफाइट जो पौधे होते हैं उनमें बहुत अच्छे से डेवलप्ड होती है, पानी को लॉस को रोकने के काम आती है क्यूटिकल। मगर हमें पता है जो हाइड्रोफाइट्स हैं तो वो तो एबंडेंस ऑफ वाटर में ग्रो कर रहे हैं, तो इसीलिए इनके अंदर क्यूटिकल या तो पूरी तरीके से एब्सेंट होती है। यहाँ पे जो नोट करना है, जो सबमर्स्ड हाइड्रोफाइट्स होंगे जो कि पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं, उनके अंदर किसी भी तरीके की क्यूटिकल नहीं पाई जाती है। जैसे हाइड्रिला हो गया, पोटामोजिटोन हो गया, इनके अंदर क्यूटिकल एब्सेंट होती है। या फिर क्या हो सकता है, जो दूसरा हाइड्रोफाइट है जैसे एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स हैं, इमर्जेंट हाइड्रोफाइट भी बोलते हैं उनको, उनके अंदर डेवलप पुअरली होगी भी तो पुअरली डेवलप्ड होगी। ये क्यूटिकल जो है उसकी प्रेजेंस ज़ीरोफिटिक एडेप्टेशन होती है, हाइड्रोफाइट्स में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है एपिडर्मिस। क्यूटिकल के जो नीचे वाली लेयर है यहाँ पे ग्रीन से शो कर रखी है, ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर होती है, एक परत होती है, देखिए यहाँ पे एक ही लेयर बनाई है। उसके अलावा जो एपिडर्मिस होती है उसकी जो वॉल, सेल्स की जो वॉल होती है वो थिन वॉल्स होती हैं और वो पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है। तो एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल, मृदुत्व कोशिकाओं की बनी होती है एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे जो होता है वो होती है हाइपोडर्मिस। यहाँ पे आपको देखें हाइड्रिला स्टेम में पिंक कलर से जो बना रखा है वो हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस जो होती है बेसिकली सबमर्स्ड हाइड्रोफाइट में तो एब्सेंट होती है मगर हाइड्रिला में पाई जाती है। उसके अलावा फ्लोटिंग और इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स में ये हाइपोडर्मिस हो भी सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है और प्रेजेंट भी हो सकती है, इट्स डिपेंड। नेक्स्ट है कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस के नीचे जो वेल डेवलप्ड जो रीजन है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स वेल डेवलप्ड होता है, अच्छे तरीके से डेवलप्ड होता है। कॉर्टेक्स के अंदर क्या पाई जाती है, एयर कैविटीज पाई जाती है। स्पेस आपको दिख रहा है, दिस आर द एयर चैम्बर्स। और कॉर्टेक्स जो होता है इसके अंदर ये जो एयर चैम्बर होता है उसका क्या कार्य होता है, वो पादप को बायोन्सी प्रोवाइड करने में एवं गैसों के एक्सचेंज में, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। कॉर्टेक्स में जो सेल्स होती हैं वो पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। जैसे एपिडर्मिस पैरेन्काइमेटस सेल की बनी होती है, ऐसे कॉर्टेक्स भी थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है, मगर इसके अंदर इट इज ट्रांसफर्ड बाय द एयर चैम्बर्स और द एयर कैविटीज। नेक्स्ट है कॉर्टेक्स के नीचे, यहाँ पे मैंने लिख रखा है देखिए निम्फिया। जो निम्फिया है वो एक फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट है विद रूट्स, ऐसा हाइड्रोफाइट है जो फ्लोट तो करता है मगर उसमें क्या पाई जाती है, जड़ें पाई जाती हैं। इसके कॉर्टेक्स के अंदर वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो निम्फिया है उसके वेस्कुलर बंडल में, कॉर्टेक्स में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में होता है एंडोडर्मिस, ये पर्पल कलर से दिख रही है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इनमें वेल डेवलप्ड होती है। राइजोम जो होते हैं उसमें स्पेशली एंडोडर्मिस और ज्यादा अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड होती है। वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल क्योंकि पानी में होते हैं तो वेस्कुलर टिश्यू इतने ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं सबमर्स्ड हाइड्रोफाइट में।
यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल है वो जाइलम जो है वो जाइलम कैविटी से रिप्रेजेंट है, और फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब येलो कलर में जो है वो सीव ट्यूब एवं पैरेन्काइमा सेल का बना होता है। इनके अंदर समस्ट हाइड्रोफाइट के अंदर वेस्कुलर बंडल बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होते, मगर इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स के अंदर स्टेम में वेस्कुलर बंडल वेल डेवलप्ड होते हैं। एक चीज और नोट करने वाली है, ये इनका जो कॉर्टेक्स होता है इसके सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है, पैरेन्काइमा सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, इसलिए हाइड्रोफाइट की स्टेम किसमें हेल्प करेगी, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। तो ये है एनाटॉमिकल एडेप्टेशन इन स्टेम ऑफ हाइड्रोफाइट। तो एक बार आप इसे रिवाइज कर लेते हैं, क्यूटिकल जो होती है वो सबमर्ज में एब्सेंट होती है, एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, पैरेन्काइमेटस सेल की बनी होती है, हाइपोडर्मिस इट मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। नेक्स्ट कॉर्टेक्स वेल डेवलप होता है, इसके अंदर एयर कैविटीज पाई जाती है एवं क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये याद रखिएगा बच्चों, निम्फिया जो है उसके कॉर्टेक्स के अंदर वेस्कुलर बंडल भी पाए जाते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंडोडर्मिस डिस्टिंक्ट होती है, पाई जाती है अच्छे से, वेस्कुलर बंडल लीस्ट डिफ्रेंशिएटेड होते हैं समस्ट हाइड्रोफाइट्स में, इमर्जेंट हाइड्रोफाइट में वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। थैंक यू सो मच।